चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कई बार मौसम खराब होने के चलते श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। प्रशासन और सरकार लगातार श्रद्धालुओं की रक्षा को लेकर सतर्क है। कई रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ बद्रीनाथ से हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र से जानेंगे क्या है, किस तरह से व्यवस्था है, क्या है, किस तरह से यात्रा चल रही है। सुरेंद्र सबसे पहले बताएं कि चारधाम यात्रा को लेकर साधन क्या है। कोमल, चार धाम यात्रा के इस समय जो है चरम पर है, अपने पीक पॉइंट पे कहा जाता है। पीक पॉइंट पे चार धाम यात्रा, क्योंकि बरसात बंद हो गई है। बरसात से पहले जो यात्री गण आते थे वो जगह जगह सड़क मार्गों में फंस जाया करते थे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, कहीं गाड़ के घेरे नाले बरसाती नाले आते थे, तो यात्री जगह जगह फंस जाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु मंदिरों तक, चाहे केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ जी है, या हेमकुंड साहिब है, इन पांचों धामों में जो यात्री है वो किसी न किसी प्रकार से कितने भी कष्ट झेलते हुए वो जब हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। और अब बरसात जब बंद हुई है, तो बरसात से पहले ही अब एक आंकड़ा आया था कि एक हफ्ते पहले की 14 लाख के पार कर श्रद्धालुओं यात्रियों की जो संख्या थी बद्रीनाथ में, अब जो बारिश से अभी बंद हो गई है, यात्रियों की संख्या प्रतिदिन की जो आंकड़े आ रहे हैं, आज की ताजा जो आंकड़ा है, चाहे वो केदारनाथ है या बद्रीनाथ है, यमुनोत्री गंगोत्री है, या सिखों के पवित्र जो तीर्थ है हेमकुंड साहिब, वहाँ पे 20,000 से 40,000 के बीच प्रतिदिन जो है श्रद्धालु अपने तीर्थ धामों, चारों धामों पहुंच रहे हैं। और रात के 1 बजे 2 बजे से यात्री जो है मंदिर के बाहर जो रास्ते में लंबी लंबी कतारें लगा दे रहे हैं, ये श्रद्धालुओं के लिए अपने जो देव भगवान है उनके दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो रात भर कड़क की ठंड इस ढंग से लंबी लंबी लाइनों में बने हुए, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि चार धाम यात्रा जो है इस बारी रिकॉर्ड जो जनसंख्या है, तीर्थयात्रियों की संख्या है, उस संख्या को पार करने वाली है। और आने वाले, क्योंकि अभी कपाट बंद होने के काफी 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 महीने, दीपावली के आसपास और पंचमी के आसपास इन जगह जो कपाट बंद होते हैं, तब तक तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो और बढ़ने वाली है। हालांकि अब हेमकुंड साहिब का जो कपाट है वो अभी इसी अगले हफ्ते कपाट बंद हो जाएंगे तीर्थयात्रियों के लिए। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ गंगोत्री कर्मवार जो है ये इनके कपाट होते हैं। इस बार ही लग रहा है कि तीर्थयात्रियों की संख्या जो है वो हमेशा हमेशा के हमेशा के लिए बनकर रहने जाने वाला है। जी कोमल, सुरेंद्र जी कितनी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं? कोमल, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आजकल जो आंकड़े आ रहे हैं प्रतिदिन के 20,000 से 40,000 तीर्थयात्रियों की जो आंकड़े आ रहे हैं कि प्रतिदिन चारों धामों में 20,000 से लेकर 40,000 तक की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचते हैं भगवान के दर्शन के लिए। ये आंकड़े हैं जो आंकड़े, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रिकॉर्ड तोड़ जो बारिश के दरमियान ही थी, बारिश से के पहले भी थी और बारिश के दरमियान भी, तो बद्रीनाथी एक मामला है कि जो 14 लाख से ऊपर श्रद्धालु इस वर्ष दर्शन कर चुके थे, अब वो संख्या निसंदेह बढ़ने वाली है, क्योंकि 20 से 40 हजार के बीच दर्शनार्थी हो जा रहे हैं। अब सड़कों की दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि यातायात की सुगम है, सड़कें टूट नहीं रही है, तो जो यात्रा मार्ग है वो यात्रा मार्ग भी सुलभ है। हालांकि प्रशासन जगह जगह आज भी जो संवेदनशील सड़क मार्ग है, जगह स्थान है, उन स्थानों पे वहाँ पे चाहे मशीन है चाहे लेबर है वो मुस्तैद रखे हुए हैं प्रशासन ने, कि कहीं तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और चाहे बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में है, गंगोत्री यमुनोत्री जहाँ भी है, चारों धाम में हेमकुंड साहिब है, फूलों की घाटी है, सारे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शासन प्रशासन ने की हुई है, जगह जगह अपने आदमियों को, अपने कर्मचारियों को मुस्तैद किया हुआ है। जी कोमल, सुरेंद्र श्रद्धालु की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? श्रद्धालु की व्यवस्था को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? श्रद्धालुओं के आस्था के लिए सरकार की तरफ से, तीर्थ पुरोहितों की तरफ से, स्थानीय लोगों की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, कमियां तो रह जाती हैं। जैसे कि केदारनाथ में भी एक मामला आ रहा है कि वहाँ पे जो गर्भगृह है, गर्भगृह में आम तीर्थ यात्रियों को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, उससे वहाँ के आज का ताजा अखबार में जो बयान आया है वहाँ के पुरोहितों का कि वो तरह तरह कर रहे हैं कि जो आम तीर्थ यात्री हैं जो रात को एक एक बजे से मंदिर के बाहर बड़ी बड़ी लंबी ठंड में लाइनें लगा दे रहे हैं, उनको मंदिर गृहों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और तीर्थ पुरोहितों ने ये भी आरोप लगाया है आज की जो VIP दर्शन करने आते हैं उनको तो किसी भी हालत में गर्भगृह में दर्शन करने दिए जा रहे हैं, ये केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है आज के अखबार अमर उजाला में।
सुबह हमने पढ़ा, और उनका ये कहना है कि सरकार या जो भी यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है बीटीपीसी मंदिर समिति कमेटी, वो बिल्कुल गलत कर रही है कि जो आम तीर्थयात्री बड़े दूर दूर से आ रही है, बड़े विकट परिस्थितियां को झेलते हुए केदारनाथ तक पहुंच रही है, और वहां पे उनको भगवान के दर्शन करने के लिए गर्भगृह में नहीं जाने दिया जा रहा है। उसका कारण ये था कि बहुत बड़ी ज्यादा भीड़ इस समय है, और अंदर गर्भगृह में प्रवेश करके बहुत बड़ी भीड़ हो जाएगी तो पूजा पाठ नहीं संपन्न हो पाएगी। पिछले तीर्थ पुरुष भी बहुत नाराज है कि उन्होंने कहा कि आम जो तीर्थयात्री आ रहे हैं बड़ी बड़ी दूर से, उनको भी गर्भगृह में भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना करने का के लिए मौका मिलना चाहिए, न कि सिर्फ VIP कोटे से दर्शन करने आ रहे हैं वो सिर्फ गर्भगृह में दर्शन कर रहे हैं। तो केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज अपनी नाराजगी व्यक्त की कि VIP ही नहीं बल्कि आम जो नागरिक हैं, आम जो श्रद्धालु हैं, भगवान पर सबका अधिकार है, भगवान की पूजा सभी कर सकते हैं, भगवान के लिए कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, आया तो भगवान के दर्शन और पूजा करने आए, सबको भगवान के दर्शन और पूजा करने के गर्भगृह में जाने की अनुमति दी जाए। क्योंकि कोमल इससे आसानी से समझा जा सकता है, तीन चार धामों में एक जो पीक पॉइंट है, क्योंकि अब इसके बाद जो ठंडक शुरू हो जाती है, जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे बर्फ भी कम होती है, और अब धीरे धीरे बर्फ भी गिरने शुरू हो जाती है, तो जो अभी जो पर्वतीय क्षेत्र का जो सौंदर्य है, इस सौंदर्य को निहारने का एक समय होता है, और भगवान के दर्शन करने के जो एक लोग ये सोचते हैं जिसमें भीड़ कम, वो लास्ट वक्त पर भगवान के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि बरसात के कारण यात्रा थमसी गई थी, उसके बाद जो है अब जो लगातार जो यात्रा चल रही है, मौसम ठीक है, सड़कें ठीक हैं, रास्ते ठीक हैं, वो आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत तमाम कार्य हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं, केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत तमाम कार्य हुए हैं, वहाँ जो बदल मार्ग था गोरी से केदारनाथ के लिए वो बहुत सुगम और सुलभ यात्रा के लिए बना दिया गया है, तो यात्री आराम से जाते हैं आते हैं, यही हेमकुंड में भी है, बद्रीनाथ में भी है, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत कई तमाम तरह के निर्माण वहाँ हुए हैं, यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारा इंतजाम किए गए हैं, इसलिए यात्री इस बार चारों धामों के दर्शन करने के लिए भीड़ की भीड़ उमड़ी है, तो एक उसके एक कारण भी रहे कि जो यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहे हैं मास्टर प्लान के तहत, वो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नेतृत्व में चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा वहाँ पे तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए तीर्थयात्रियों का बढ़ना भी इस बार का जो रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, ये भी कुछ कारण हो सकता है। सुरेंद्र, जो बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, उनको लेकर क्या कुछ गाइडेंस तैयार की जाती है? ये गाइडलाइन नहीं, वो मंदिर में मंदिर परिसर के बाहर जगह जगह जो रहने वाले रहते हैं, होटल हैं या धर्मशाला हैं, लोगों में व्यवस्थित तरीके से रहते हैं, चाहे ऑनलाइन बुकिंग करते हैं या मुख्य करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से शासन प्रशासन की तरफ से हर सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है, कि तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई उपद्रवी जन या कोई दूषित जो मानसिकता के लोग हैं, तो कोई छेड़ाखानी ना करते, गलत हरकत ना करते, चप्पल चप्पल पर नजर रहती है, नजर रहती है, और जब वो लाइन में मंदिर के दर्शन करने के लाइन में लगे रहता है, तब भी सुरक्षा व्यवस्था के पूरा इंजाम किए जाते हैं, कि कहीं किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, कहीं किसी प्रकार का दुर्भाग ना हो, और उनको यात्री को कोई क्षति ना पहुंचे, इसलिए पूरी पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, और बारी बारी से लाइन में लगकर के बारी बारी से मंदिर में प्रवेश करते हैं सभी लोग, और पूजा अर्चना अपने जो भेंट श्रद्धा जो करना होता है यात्रा को करते हैं, और भगवान के प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों को जाते हैं, तो व्यवस्था हम कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, कहीं किसी की यात्रियों ने अभी तक भी कोई कंप्लेंट नहीं की है, छोटी मोटी घटनाएं सड़क जब अवरुद्ध होते तब की घटनाएं नहीं है, लेकिन वर्तमान में सब ठीक है, प्रशासन भी लगातार नजर रखता है, मुख्यमंत्री की नजर रखते हैं, और चमोली प्रशासन या रोहतक प्रशासन, तमाम जो प्रशासन है वो अब अपने अपने धामों पे चौकसी बरते हुए हैं, और अंजाम के लिए मुश्किल है। जी सुरेंद्र, धन्यवाद आपका। तो सुना आपने कि कैसे कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु के आने का सिलसिला जारी रहता है, जिसको लेकर प्रशासन हमेशा तैयार रहता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।